वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक साउथ इंडियन रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है पनीर उत्तपम। तो मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। आपको चाहिए सूजी, दही चाहिए होगा, कटी हुई पनीर, वेजिटेबल्स में आपको चाहिए बारीक कटी हुई ऑनियन, टोमेटो, गोभी मैं यूज कर रही हूँ, फूल गोभी कटी हुई, आप चाहें तो और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। अदरक आपको चाहिए होगी बारीक कटी हुई, हरी मिर्च, तेल, राई आपको जरूर चाहिए होगी, नमक, लाल मिर्च अगर आप यूज करना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। आगे आपको सबसे पहले तवे पे गेट तेल गरम होने को रख देना है, 2 से 3 टेबल स्पून अपने अकॉर्डिंग। और एक साइड में मैं क्या कर ले रही हूँ, बाउल में इस तरह से सूजी डाल ले रही हूँ और इसमें दही ऐड करके मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ इस तरह से। अगर आप लोगों को सूजी का जो ये उत्तपम है बनाना टफ लगता है तो आप लोग थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें सारी अदरक वेजिटेबल्स मिक्स करनी है, पनीर नहीं ऐड करना है अभी इसमें, ध्यान रहे। और आपको बारीक कटी हुई मिर्च, राई, राई की क्वांटिटी अच्छे से ले लें, नमक स्वाद अनुसार और रेड मिर्च आपको यूज करनी है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर ले। ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए बैटर और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, मीडियम सा आपको रखना है ये देखिए, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा थिक। अब आपको क्या करना है, इसे सूजी फूल जाए इस वजह से आपको इसे 5 से 10 मिनट आपको साइड में रख देना है। और अच्छे से फेंटे, और आप वेट करें इसको 10 से 5 मिनट रख के। ऑयल आपका गर्म हो चुका है, अब आपको क्या करना है, इसे तवे में इस तरह से फैलाना है, इस तरह से गोलाकार में आप इसे कर ले। और अब आपको इसमें क्या करना है, वेजिटेबल इस तरह से आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, टमाटर इस तरह से, ये थोड़ा सा देखने में अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ इस तरह से, फैला लें आप जितना चाहें। और अब आपको इसमें पनीर भी ऐड करनी है, एक एक पनीर का टुकड़ा इस तरह से लें और इस तरह से ऐड करें। ये तरीका है आपका पनीर इसमें इस तरह से ऐड करने का, जब तक एक साइड आपकी सिक जाएगी। 5 मिनट का वेट करें, वेट करते हैं 5 मिनट्स का, फिर आप इसे पलट सकते हैं। जैसे एक साइड सिक जाएगी आप इसे पलट दें इस तरह से, एंड आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अगर मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर सूजी का आप नहीं बना पाए, सूजी का जो आपका ये कम है वो जल्दी टूट जाता है, तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं या सिंपल आटा भी ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी कम होती है। अब आपको इसे पलटना है, अगर नहीं पलट पा रहे तो हैंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल आपका तैयार है ये वाला साइड, दूसरी साइड को बहुत अच्छे से अब आपको इसे थोड़ा सा पकने देना है, ब्राउन होने देना है। ये वाला साइड आपका पक चुका है। हेल्दी रेसिपी है ये, काफी इजी भी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है और पनीर के टेस्ट के साथ और भी अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा सीखने दें और वेट करें। अभी सीख चुका है, मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ इस तरह से। बिल्कुल तैयार है आपका ये पनीर उत्तपम, आप इस ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, दूध के साथ खा सकते हैं।
कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।